हर हर महादेव। दोस्तों आज की आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप वास्तविक जीवन की बातें को समझ पाएंगे। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होना संकल्प इसी भी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। महादेव कहते हैं साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीज अलग तरह के करेंगे। महादेव कहते हैं दुनिया हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। महादेव कहते हैं जहां प्रेम है वहां जीवन है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। महादेव कहते हैं जब भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। महादेव कहते हैं जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। महादेव कहते हैं अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इसे जीतना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। महादेव कहते हैं जीवन साइकिल है, संतुलन में रहने के लिए आगे बढ़े। महादेव कहते हैं बहुत सारे लोग आपके साथ शानदार गाड़ियों में घूमना चाहते हैं पर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो गाड़ी खराब हो जाने पर आपके साथ बस में जाने की त्वरित है। एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। महादेव कहते हैं उस व्यक्ति ने आत्म प्राप्त किया लय जो किसी संसारी वस्तु से व्याकुल नहीं होता। महादेव कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। महादेव कहते हैं प्रसन्नता और नैतिक कर्तव्य एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। महादेव कहते हैं वैसे तो लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता है लेकिन उसके खुद की लगी जंग उससे नष्ट कर देती है। ठीक वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच इंसान को नष्ट करने के लिए काफी है। महादेव कहते हैं हार मत मानो, हमेशा अगला मौका जरूर आता है। महादेव कहते हैं हारना सबसे बुरी सफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। महादेव कहते हैं अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। महादेव कहते हैं जिंदगी हमेशा दूसरों का मौका जरूर देता है जिसे कल कहा जाता है। महादेव कहते हैं सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। महादेव कहते हैं इंसान को यह देखना चाहिए कि क्या है, यह नहीं कि उसके अनुसार क्या होना चाहिए। महादेव कहते हैं जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। महादेव कहते हैं अगर कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है। महादेव कहते हैं उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। महादेव कहते हैं लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। महादेव कहते हैं तुम्हें सपने देखने होंगे तभी तुम्हारे सपने सच होंगे। महादेव कहते हैं यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है।